हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और आप लोगों का इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए व्हाट इज़ रिकवरी सर्विस वॉल्ट्स और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये टॉपिक लेके आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजूर में। अगर आप अजूर में चाहे किसी में भी रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी टेक्नोलॉजी पर आप काम करें, चाहे नेटवर्क हो, चाहे सर्वर हो, चाहे अजूर हो, चाहे क्लाउड हो, कुछ भी हो, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें ये क्या होती है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिकली इसका फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो वही मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। और शुरू करते हैं तो इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा थेरेटिकल अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ गाइस, तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट इज़ अ स्टोरेज एंटिटी इन अजूर दैट हाउसेज डेटा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है, पूरा डेटा को एक एक जगह डेटा रखते हैं, डेटा को एक मैनेजमेंट जैसे कह सकते हैं आपकी, उसको स्टोर करना, रिकवर करना, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट के करते हैं, ठीक है। द डेटा इज टिपिकली कॉपीज ऑफ डेटा, तो ये बहुत सारी कॉपीज हो सकती है डेटा की जो डेटा रखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन फॉर वर्चुअल मशीन्स और वर्कलोड और सर्वर और वर्क स्टेशन। तो इसके अंदर इतनी इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाइक वर्चुअल मशीन हो गई, वर्कलोड हो गया, सर्वर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, तो उन सबकी कॉपीज रहेगी बेसिकली, ठीक है। यू कैन यूज़ रिकवरी सर्विस वॉल्ट टू होल्ड बैकअप, ठीक है। बहुत सारी अजूर सर्विसेज का बैकअप सच एज IaaS, लिनक्स, विंडोज़ और SQL डेटाबेस। रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट सपोर्ट्स, ये सिस्टम सेंटर को सपोर्ट करता है, विंडोज सर्वर, अजूर बैकअप सर्वर एंड बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट मेक्स इट ईजी टू ऑर्गेनाइज योर बैकअप डेटा, डेटा बैकअप के लिए आसानी है, वाइल मिनिमाइजिंग मैनेजमेंट ओवरहेड। तो मैनेजमेंट का ज़्यादा इसमें झंझट नहीं रहता, आराम से ये मैनेज हो जाता है, और यहाँ पे ये विदिन रहेगा, ठीक है। विदिन एन अजूर सब्सक्रिप्शन यू कैन क्रिएट अप टू 500 रिकवरी सर्विस वॉल्ट्स पर सब्सक्रिप्शन पर रीजन। तो एक रीजन पे हम 500 रिकवरी सर्विस वॉल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पर सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन में और पर रीजन, एक रीजन पे। तो इसके बाद गाइज, ये तो इसकी जस्ट बेसिक थी। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 1 और 2, ठीक है, और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं सिर्फ रिकवरी। तो रिकवरी के लिए आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो हमको ये आता है बेसिकली स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो मैं स्टोरेज के कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने पहले ये टॉपिक कवर किया, अब हम रिकवरी सर्विस वॉल्यूट की बात कर रहे हैं और उसके बाद वॉल्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद में डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो मैं इस पे जाता हूँ, इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो इसको नेम पूछ रहा है, तो बस मैं यहीं पे इसको नाम दे देता हूँ, रिकॉप करके दे दिया और बस ख़त्म। तो ये देखिए, एग्जिस्टिंग स्टोरेज, एक मेरे पास रिसोर्स ग्रुप बना, उस पर जा रहा है, और लोकेशन वेस्ट US नहीं सेलेक्ट करके मैं इसको वेस्ट इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेस्ट इंडिया रहेगा यहाँ पे। वेस्ट इंडिया पे ये आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा रिसोर्स ग्रुप किस लोकेशन पे है। तो ये वेस्ट इंडिया है, तो हमको ये भी वेस्ट इंडिया पे आना चाहिए था। तो हम फिर से देखते हैं उसको जाके, वेस्ट इंडिया का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। नहीं आया तो हमको फिर से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रिएट किया, और हम यहाँ पे देखते हैं लोकेशन वेस्ट US, नीचे से ढूंढते हैं वेस्ट इंडिया है कि नहीं है। अगर नहीं रहा तो हमको एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं साउथ इंडिया ले लिया और एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी नाम दे देता हूँ मैं रिको करके, रिको RG, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे भी इसको रिकोब, बस रिकोब करके, और ये साउथ इंडिया पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको ये क्रिएट हो रहा है गाइस। अब इसके लिए हम एक वर्चुअल मशीन भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया था लेकिन ये वेस्ट इंडिया पे क्रिएट किया था। तो कोई नहीं, हम एक वर्चुअल मशीन भी ले लेते हैं, तो ज़रा सा मेरे को बताने में आसानी हो जाएगी कि हम उसको कैसे बैकअप और रिकवरी वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका VM2 नाम दे रहा हूँ मैं, और यूज़र नेम दे दिया मैंने, और इसका पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। अभी ये ट्रायल रहेगा और हम एग्जिस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग मैंने रिको वाला लिया है,
और जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ओके कर देंगे। ये वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जल्दी से मैं एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 GB वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया और सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क और पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये इसने एक ले लिया खुद ब खुद। यहाँ पे हम बस यहाँ पे प्रोटोकॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं RDP, और ये और इसको क्रिएट पे मैं लगा देता हूँ। तो जब ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो बैकग्राउंड में ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होती रहेगी। हमारे पास देखेंगे कि हमने एक रिसोर्स ग्रुप पे जाते हैं, ये वाले पे, इसके अंदर क्या क्रिएट किया हमने एक, देखिए इसका वीनेट खुद ब खुद क्रिएट हुआ है और ये रिकवरी सर्विस वॉल्यूट, तो ये हो गया है। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे, अभी देखते हैं ये प्रॉपरली डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। सो डू यू यूज़ अजूर रिकवरी टू माइग्रेट सर्वर टू अजूर, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू फीडबैक। अगर हम ये एक नोटिफिकेशन है कि आप अगर ऐसे ऐसे करके माइग्रेट करना चाहते हैं कि करके, तो गाइज बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी इधर लेफ्ट, इधर की बात करूँगा लेफ्ट हैंड साइड की, तो सेम चीज़ें हैं, वही एक्टिविटी लॉग रहेगा इधर पे, रोल वगैरह को परमिशन किसको देना है क्या नहीं देना। अब और नीचे जाए तो थोड़ी प्रॉपर्टी दिख रही है इसकी सेटिंग, और ये लॉक है, यहाँ पे लॉक हम लगा सकते हैं, कुछ ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, बैकअप एंड रिकवरी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकअप और रिकवरी ही है। तो और इसके ओवरव्यू पे भी जाके हम अगर टॉप पे देखते हैं, तो यहाँ पे बैकअप और रेप्लिकेट और ये तीन मेन दिख रहे हैं, बट उसके नीचे थोड़ा सा जाएँ हम तो गाइस आपको क्या दिखेगा, बैकअप एंड रिकवरी फिर से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मॉनिटर है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं इस बैकअप पे जाता हूँ, ये वाले पे, तो देखिए यहाँ पे वेयर इज़ योर वर्कलोड रनिंग, तो ये पूछ रहा है कि आपका वर्कलोड कहाँ रनिंग है अगर आप बैकअप लगा रहे हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, आप बैकअप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज ये अजूर पे है और मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन मैंने लगा दिया कि मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए, तो अब इसको कॉन्फिगर बैकअप, बैकअप हम यहाँ पे ऐसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, यहाँ पे चूज़ बैकअप पॉलिसी। ठीक है, तो आप यहाँ से आप एक क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू पॉलिसी का नाम देखिए कि कितने बजे ये टाइम के हिसाब से बैकअप होना चाहिए, रिटेंशन रेंज, और नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिटेंशन मंथली बैकअप, तो ये मैनुअल हुआ। ठीक है, इसको हम और अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लेते हैं, तो डेली एट 6 AM ये चालू हो जाएगी। इसको सपोज़ मैंने ओके कर दिया, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सा बैकअप लेना है, तो मैंने जो वर्चुअल मशीन 2 क्रिएट किया था मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि मेरे को इसका बैकअप चाहिए करके। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हम इस तरीके से चीज़ों का बैकअप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको इनेबल बैकअप कर देंगे, तो ये भी हमारा इनेबल हो जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, जैसे ये हो जाए, ठीक है, जब तक वो बैकग्राउंड में चल रहा है हम साइट रिकवरी को देखते हैं। मैं फिर से यहाँ पे ओवरव्यू पे जाता हूँ, तो और क्या फंक्शन है हम देखेंगे। देखिए यहाँ से भी हम बैकअप पे क्लिक करें तो हमको वही आएगा कि यहाँ से आप बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का क्या है, रेप्लिकेशन रहेगा ये, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह रिसोर्स ग्रुप में अगर हमको कुछ मूव करना हो तो उस तरीके से। अगर आप देखें तो अजूर से मेरे को सोर्स है, और ये अगर ऑन प्रमाइसिस है तो ये पूछेगा। ठीक है, ऑन प्रमाइसिस के लिए भी मेरे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से ये नहीं आएगा। अजूर की अगर हम बात करें तो सोर्स लोकेशन, सोर्स लोकेशन ये आ रही है। सपोज अब मैं यहाँ पे सोर्स लोकेशन साउथ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट VM फ्रॉम द सेम रीजन एज योर वर्ल्ड रीजन, तो ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है कि किसी दूसरी लोकेशन से सपोज हमको चाहिए, तो ये वेस्ट यूरोप का है। अजूर वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड मॉडल ये है, और सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ पे हमको कुछ आना चाहिए रिसोर्स ग्रुप और US। तो यहाँ पे शायद मैंने कोई एक और, मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, मल्टीपल हमने वो नहीं बनाया है लोकेशन यहाँ, इस वजह से शायद दिख नहीं रही है। तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, या फिर ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है इस वजह से नहीं आ रहा। तो ये हम रेप्लिकेट का बाद में देखेंगे, इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे साइट रिकवरी का। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें, साइट रिकवरी पे बात एक ही आएगी। ठीक है, तो अगर अभी आप देखें, मैं साइट रिकवरी पे इस साइट, ये वाला जो पोर्शन है ये कि आपको यहाँ पे एक आपका जो परफॉर्मेंस एक तरीके से कहें या फिर ये आपको मॉनिटरिंग दिखा रहा है, इसको भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा मॉनिटरिंग का कि क्या कहाँ पे कितना यूसेज हो रहा है, ब्ला ब्ला करके।
फेल ओवर टेस्ट, सक्सेस और कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज एंड ये सारी चीज़ें। अब हमको अगर ये कॉन्फ़िगर करना है साइट रिकवरी, तो यहीं पे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। प्रोटेक्शन गोल, ठीक है, वेयर आर योर वर्चुअल मशीन लोकेटेड, अजूर पे हुआ, वेयर डू यू वॉन्ट टू रेप्लीकेट टू वर्चुअल मशीन, टू अजूर इटसेल्फ कर दिए हमने, ठीक है, ओके कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फेल डिप्लॉयमेंट सर्विस एडिशनल फेल्ड अंडरलाइंग एपीआई, ठीक है, इसको क्लोज कर दिए, ये हो गया, हमने इतना कर दिया। इसके बाद में फॉर ऑन प्रोमाइसिस, ये तो था फॉर फॉर ऑन प्रोमाइसिस मशीन हुआ। उसके बाद में क्या है, फॉर ऑन प्रोमाइसिस मशीन एंड अजूर वीएम्स, तो उसके लिए अगर हम अगर ये वाला ऑप्शन चूज़ करें तो फिर से यहाँ पे हमको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे बना के मैं इसको जस्ट ओके कर देता हूँ सब सेलेक्ट, तो द वैल्यू शुड नॉट बी एम्प्टी, ऐसे क्यों आ रहा है, मेरे को ज़रा सा गड़बड़ लग रहा है। या फिर साउथ को देखें तो सोर्स लोकेशन, आप देखिए आप एक एंड पे, आपके एंड पे ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रिकवरी भी लगा सकते हैं कि ओके समझ गया मैं, हमारे पास दो लोकेशन नहीं है इसलिए हम वहाँ पे सोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं दूसरी जगह से सपोज हमने मैंने कहीं बैकअप रखा है तो वहाँ से हम उसको उठाएंगे, वो साइट रिकवरी होगी, ठीक है। तो ये था, अभी फिर से हम थोड़ा सा बैक जाऊँ मैं, तो हमने जो क्रिएट किया उसको देखते हैं बैकअप के लिए, जो बैकअप रन किया था कहाँ गया, रिसोर्स ये वाला इसके अंदर था, ये बैकअप एक हमने यहाँ पे एक बैकअप लगाया था, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको हम मैं बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा देखते हैं बैकअप जॉब्स का, देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है जो बैकअप था वो फेल्ड हो गया, स्टेटस फेल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको वो चीज़ें भी यहाँ पे देखनी है, हुआ कि नहीं हुआ है करके प्रॉपरली। उसके बाद में साइट रिकवरी जॉब, जब हम साइट रिकवरी चलाएंगे तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि भाई वो बराबर हुई है कि नहीं हुई है। इवेंट यहाँ से देखेंगे, बैकअप रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, और डायग्नोस्टिक सेटिंग्स से है कुछ। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा और बैकअप पॉलिसीज है, फिर से वही ऐड करने के लिए रहेगा, बैकअप आइटम, क्या आइटम बैकअप करना चाहते हैं, रेप्लिकेटेड आइटम, तो यहाँ से कुछ भी हमने रेप्लिकेशन में नहीं लगाया है। और साइट रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए फिर से यहाँ से नेटवर्क मैपिंग कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है, साउथ इंडिया टारगेट लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत सारा है यहाँ पे। रेप्लिकेशन पॉलिसी लगा सकते हैं, उसके बाद में फॉर सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन, यहाँ पे वीएम के अगर सर्वर है तो हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, नेटवर्क मैपिंग, फिर से रेप्लिकेशन पॉलिसी, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमको एक साथ मिल जाएगी बैकअप लेने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए और साइट रिकवरी के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी, आप ज़रूर इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए अपने पोर्टल पे, और इन सब इन चीज़ों को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखिए कैसे ये होता है, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। मैं तो जैसे आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जस्ट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम, तो लोकली रिडंडेंट है या फिर जियो रिडंडेंट है, बैकअप मैनेजमेंट सर्वर, अगर बैकअप के लिए हमारे डेडिकेटेड सर्वर लगे हैं तो हम यहाँ पे उनको देख सकते हैं कि उनकी क्या स्टेटस है करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देखिए अपने एंड से भी, मैं तो जैसे बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि ये डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 1 ये क्या है और इसको कैसे हम बेसिक सेटअप लगा सकते हैं। सो गाइस टिल देन बाय बाय।